मैं जिस वक्त 18 साल का था, कॉलेज में था, तो मैंने अपना पहला इलेक्शन डीजे साइंस कॉलेज में मैं अच्छा। पढ़ता था उस वक्त लड़ा पूरे कॉलेज लेवल के ऊपर एंड आई गॉट इलेक्टेड। तो शायद उसी वक्त, उसको बचपन कह लें, जवानी कह लें, 18 ईयर ओल्ड, कि एक चीज़ अंदर थी कि जहाँ पर भी आप हो वहाँ फ़र्क डालें और कुछ तब्दीली करें, कुछ मामलात बेहतर हो, क्योंकि इर्द गिर्द अगर मामलात अच्छे नहीं लग रहे तो आप उसका हिस्सा हैं, तो उसमें फ़र्क डालें। तो मैंने फिर कॉलेज लेवल पे, फिर मैं NED यूनिवर्सिटी में जब गया तो मैं NED का प्रेसिडेंट बना स्टूडेंट्स यूनियन अच्छा। का, तो तालिब इल्मी में ये रोल अदा किए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए भी लगा रहा, क्योंकि कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ता था तो मैं रात को PIA में और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में नौकरी करता था। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग मैंने PIA में रहते हुए की, थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में मैंने सऊदी अरेबियन एयरलाइन जद्दा में ज्वाइन की। आई यूज्ड टू टेक चैलेंजेस। तो आप अपनी एजुकेशन जो है वो खुद उसका खर्चा उठाते थे। हाँ, मैंने चूंकि माय फादर रिटायर्ड व्हेन आई वाज हार्डली 14-15 ईयर्स ओल्ड, मैं उस वक्त, तो व्हेन आई टर्न 18 और FSC हुई और फर्स्ट क्लास आई, NED में दाखिला मिल गया, ये वो, तो फिर मैंने PIA में मुझे साइमल्टेनियसली जॉब मिल गई। अच्छा, वो जॉब भी फुल टाइम थी, बाकायदा वो एक फीता लगा के रिजर्वेशंस में एंड ऑल दैट। सो मैंने वो कोई पौने तीन साल यानी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग PIA में रहते हुए निकाला। फिर इंजीनियरिंग मैंने सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में जद्दा में जाके ज्वाइन किया। आई यूज टू टेक चैलेंजेस। वी पाकिस्तानी यहाँ कितना खर्च करते हैं कि हमारी असेंबलीज चलती रहें, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडिविजुअल्स एक NGO बनाएगा, वो वेस्ट मैनेजमेंट करेगा, इंडिविजुअल पानी के ऊपर डिस्कस करेगा, इंडिविजुअल इकट्ठे होंगे, सिविल सोसाइटी वो कूड़ा भी उठाने का सोच रहे हैं, सिविल सोसाइटी जो है वो स्कूलों को भी बेहतर करने का सोच रहे हैं, जबकि ये स्टेट का काम है। अच्छा, अनफॉर्चुनेट है ये। हाँ। कि ये फायर फाइटिंग है, ये पैच वर्क है, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं सामने, हाँ, कि कहीं आग लगी हुई है तो उसको आप बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग जो जिनको अल्लाह ने दिल की नरमी दी है, जो सेंसिटिव हैं, अपने अपने तरीके से दे आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल, लेकिन ये सारा काम, और ये कभी क़यामत तक भी नहीं हो सकेगा कि ये जो सोशल सिस्टम है या NGOs हैं, ये छोटी मोटा काम तो कर सकती हैं, जब तक टॉप डाउन गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो उसको अदा करनी है। हाँ। तो देखिए, गवर्नमेंट की एक ही जिम्मेदारी है कि वो एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करे ऊपर पूरे मुल्क के, कवानीन का निफाज हो और लोगों तक इक्वल अपॉर्चुनिटी पहुँचे, और उस तरह के जो मामले आते हैं टैक्स कलेक्ट करने के बाद टैक्स पेयर जो हैं वो टैक्स देंगे, उनसे टैक्स का लेना वसूली, और उन पैसों का सही एलोकेशन करते हुए कि ये तालीम, सेहत, डिफेंस, दाखला, उसका एलोकेशन, ये मैनेजमेंट है। हुकूमत कभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी खुद करने के लिए, ताकि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जब काम करेगा तो जैसे कि हुकूमत क्या है कि जैसे कोई मैच हो रहा है उसमें एक रेफरी है, एक एम्पायर है कि कोई फाउल ना करे और हर आदमी उस डिसिप्लिन के अंदर खेले। सो हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से काम करती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हुकूमतों ने अपना रोल अदा नहीं किया, जो आप बात बता रही हैं कि मैं जब असेंबली का अंदर इलेक्ट हुआ तो आई थॉट कि पाकिस्तान ने इतना दिया है, मैं वॉज द फर्स्ट MNA टू राइट अ लेटर टू द स्पीकर, तो मैं ना एक रुपये तनख्वाह लेता हूँ, ना एक रुपया अकाउंट लेता हूँ, ना जहाज़ का टिकट लेता हूँ आने जाने का, ना मैंने पार्लियामेंट्री लॉज लिया। मैंने अल्लाह से और अपने आप से वादा किया कि ये मैं जहाँ अल्लाह ने पहुँचाया है हम कुछ करें और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को वापस करें। लेते तो रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं लेते रहे, यहीं से लिया है सब कुछ। तो ये कल्चर इवॉल्व होना है, लोगों ने सवाल पूछना है, क्योंकि आम पाकिस्तानी भी डिटैच हो गया। आप तालीम उठा लें तो पता चला आपका नंबर 116 होगा, आप सेहत के अंदर जाके देखें यानी दुनिया की कौमों के दरमियान में, नेशंस के दरमियान में, आपका पता चला 125 नंबर के ऊपर। सो यही वो ख्वाब था कि अमेरिका को छोड़ना एट द एज ऑफ 32 व्हेन यू आर यंग, एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू, आपने वहाँ से 4 grade point एवरेज पे जो वहाँ का स्ट्रेट एज पे आपने पास कर लिया, सो आई मीन एवरीथिंग वॉज रेडी टू रिसीव यू वहाँ पर, लेकिन आई बर्न द बोर्ड्स एंड केम हियर, तो उसकी तलाश में लगी। आप हैंड्स ऑन फादर थे,
क्योंकि अगर आप बेगम पढ़ रही थी और बच्चे भी आपके बच्चे भी थे और आप पढ़ भी तो क्या तो कैसे आप लोगों ने दोनों ने मैनेज इट वाज अ टीम वर्क क्योंकि उसके बगैर ये मुझे याद है कि जैसे ये होता है ना कि थ्योरी और वाइवा के मेडिकल के गैप के अंदर वो पहले साहबजादे तशरीफ लाए सॉर्ट ऑफ थिंग तो वहाँ रहा फिर जब हम ख़त्म करके आए तो बड़े वॉज लाइक 3.5 साल नाउ इज 36 वो 32 साल का जो सफ़र है उसके अंदर फिर बट ऑल थ्री जो इस वक्त में सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह का इनाम ही कहूँगा कि तीनों काम पे एक तो तीनों पाकिस्तान में दो इस वक्त कराची के अंदर हैं एक इस्लामाबाद अभी जुलाई में मूव कर गए ही वॉन्ट्स टू लिव इन इस्लामाबाद और तीनों काम पे मेरे साथ हैं तो आई एम देयर बॉस एंड फादर एंड फ्रेंड कभी रिग्रेट करते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं ये जैसे मैंने अभी कहा था कि वो जो फेथ की जो पॉलिश की ना वो आदत तो रिग्रेट का मतलब कभी आई नहीं और चूंकि कामयाबी भी आती रही और उसको एक अल्लाह के प्लान को के तौर पे जब लिया आपने ना क्योंकि जैसे होता क्या है कि आपने कुछ भी करना है आदमी रोज़ अपने से लंबे आदमी से मिलता है रोज़ अपने से चौड़े आदमी से मिलता है अपने से ज़्यादा बड़ी डिग्री वाला आप जब आपको ये समझ आ जाए कि माय अल्लाह वांटेड इट दिस वे फॉर मी यानी मैं अल्लाह की वो क्रिएशन हूँ जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग है इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि वो मेरी नाक थोड़ी बड़ी बनाना चाह रहा था छोटी बन गई ही तो फिर आपको उन तमाम अवामिल से उन तमाम चीज़ों से जो इर्द गिर्द होती हैं यू लाइक देम और अगर कहीं रुकावट आती है जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं क्योंकि हमारे तो सब सरकारी मुलाजिम थे बड़े अच्छा मेरी पूरी ननियाल और ददियाल में किसी ने भी वो नहीं किया कारोबार नहीं किया अच्छा और मैं भी अमेरिका से पढ़ के नौकरी सोच के आया था कि भाई नौकरी करेंगे क्योंकि सारों ने नौकरी की खानदान तो अब अल्लाह ने क्या किया कि मैं जब वापस आया तो मुझे नौकरी नहीं मिली अब मरता क्या नहीं करता कि मैंने अपने और वहाँ से एक कमरे से अपने घर के वालिद साहब के काम शुरू कर दिए सो अब क्या था कि अगर होता कोई दूसरा तो वो तो कहता कि भाई मैं इतना ज़बरदस्त एमएस करके आया हूँ और पाकिस्तान के अंदर जगह ही नहीं मिल रही या मैं कहीं सऊदी अरबिया चला जाता या सऊदी अरबिया मैं पहले रह ही चुका था अपने तालीमी दौर के अंदर उस तो यानी अमेरिका जाने से पहले तो क्या था कि जो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी जो नाकामी नज़र आ रही थी अमेरिका से आके उस वक्त वुड बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आपको नहीं मिल रही और आप बीवी दो बच्चों के साथ तो वो सबसे बड़ी कामयाबी थी यानी अल्लाह मुझे कहीं और लेके जाना चाह रहा था तो नाउ इन एवरी ब्लॉकेड आई सी एन अपॉर्चुनिटी कि ये अल्लाह यहाँ से रोक रहा है तो ये कहीं और मुझे लेके जाना की रजा में राजी अब तो उसमें फिर थोड़ा सा ज़िंदगी का मज़ा बेहतर रहता है और आपको यानी जब आप अपने अचीवमेंट को ये समझें कि ये मैंने किया है तो फिर नाकामी का भी ब्लेम लेना होगा लेकिन जब आप उसको अल्लाह की तरफ मंसूब कर दें जैसे अगर कोई ज़बान से अच्छी बात निकल जाए अब ये भी बुज़ुर्गों ने तरबियत की कोई अच्छा ख्याल आ जाए अच्छी थॉट और या कोई अच्छी तकरीर हो जाए तो आप कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने ये बात ज़बान पर डाल दी अल्फाज डाल दिए उस वक्त वो बात ज़बान पर ले आया सो यू नो मेरी नज़र के अंदर विद एज जब आप के फैकल्टीज़ कमज़ोर हो रही होती हैं कभी नज़र कमज़ोर हो रही है चश्मा लग रहा है बाकी चीज़ें यू नो तो फेथ इज़ द स्प्रेड बिहाइंड इट इज़ द फोर्स बिहाइंड यू कि जो आपको ताकत देगी और जो आपको लगेगा कि नहीं यू कैन स्टिल डू एवरीथिंग बिकॉज देर इज़ अ पावर बिहाइंड यू एंड यू आर अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ अल्लाह ज़िंदगी वो शानदार कि जिसके अंदर जब बुक्स क्लोज हों तो आपका अकाउंट नेगेटिव में ना हो क्रेडिट के अंदर हो ताकि उधर आपको अल्लाह मियाँ से शाबाश मिल जाए और वो एफर्ट क्योंकि अगर उस दिन यानी आप दुनिया में कितने भी ज़बरदस्त कर लें करना में और आप उस दिन अगर अकाउंट जिसका नेगेटिव के अंदर हुआ डेबिट अकाउंट हुआ तो वो मुश्किल में होगा दिस इज़ हाउ वी ग्रो अप दिस इज़ व्हाट आवर फेथ इज़ तो आप आदमी जब हर अमल करते हुए ये कहेगा कि यार क्रेडिट हो रहा है डेबिट हो रहा है बातों का छोटे सी झूठ पे भी आदमी रुक जाएगा अच्छा ये यू हैव टू ट्रेन योर माइंड क्योंकि डेबिट क्रेडिट जैसे होता है ना एक आदमी आपने किसी पे नज़र भी अगर फर्ज कर लो गलत डाली तो
डेबिट हो गया, अब वो चाहे दो आने से हुआ।